Good morning, dear students. Today, let's start exercise 12.2. First question is, in each of the two figures, two line segments that do not intersect are given. Can you say that they are parallel? Why? Student, first figure ko to dekh ke pata chal raha hai ki these lines are not parallel because यहाँ distance कम है और यहाँ distance क्या है ज़्यादा. Parallel lines का क्या होता है, distance हर जगह क्या होता है same होता है. Clear. Second, देखने में तो parallel लग रहा है but हम check करेंगे कि parallel है या नहीं. So first place a ruler along the line ZO. Ruler को हमने fix रखना है. देन आप सेट स्क्वायर लो. सेट स्क्वायर का 90 डिग्री का एज हमने रूलर के साथ रखना है. क्लियर. अब आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है. क्लियर. रूलर को फिक्स रखना है और सेट स्क्वायर को मूव करना है. क्लियर. नाउ ये एक लाइन हमने और लगाई. क्लियर. Now remove your ruler and set square. Now measure these two lines. First line is about 1 cm. Measure the second line. This is also 1 cm. That means the distance is same. So that's why X, Y and Z, O are parallel. Second question is, if a ray and a line segment do not intersect, are they necessarily parallel? अगर कोई रे और लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, क्या वो हमेशा पैरेलल होगी? आंसर इज नो. पैरेलल लाइंस हमेशा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं. क्लियर. थर्ड, नेम द पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. ये हमारे पास कुछ फिगर्स दी हैं. हर एक फिगर में हमने पैरेलल लाइंस लिखनी है. फर्स्ट फिगर में कौन सी लाइंस पैरेलल है, ए बी एंड डी सी. सेकेंड, ए डी एंड बी सी. क्लियर. देखो फर्स्ट फिगर में क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी. सेकेंडली, ए डी पैरेलल टू बी सी. नाउ सेकेंड फिगर, ई एफ पैरेलल टू एच जी. क्लियर. सेकेंड इज ई एच पैरेलल टू एफ जी. थर्ड, आई जे पैरलर टू एल के एंड आई एल पैरलर टू जे के. सो स्टूडेंट्स, यू कैन ट्राई दीज थ्री सम्स बाय योरसेल्फ. फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरलर लाइंस यूजिंग सेट स्क्वायर एंड रूलर. सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड किया था, वैसे ही आपने इन दोनों क्वेश्चंस में डिस्टेंस फाइंड करना है कि इन दो पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस क्या है और इन दोनों पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस क्या होगा. फिफ्थ क्वेश्चन, मेजर द डिस्टेंसेस एल एम एन एंड ओ. आर द लाइंस ए बी एंड सी डी पैरेलल? वाई. एल एम एन ओ, ये हमने डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं. डिस्टेंस फाइंड करने के बाद बताना है कि ये लाइंस पैरेलल है या नहीं. वैसे तो देख के पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस कम है और ये इससे ज़्यादा है, एन उससे एम से ज़्यादा है और ओ एन से ज़्यादा है. डिस्टेंस सेम नहीं है तो लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है. क्लियर. पहले आपने डिस्टेंस ये सारे फाइंड करने हैं. होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज. First is transversals. What are transversals? Transversal is a line that goes around two or more given lines. देखो यहाँ पे हमारे पास two parallel lines हैं और ये lines क्या है, इन दोनों line को intersect कर रही है और ये दोनों lines को अलग अलग point पे क्या कर रही है, intersect. That means here L is a transversal. Same in second figure, here are three parallel lines and L is a transversal. In C, there are two lines and these are non-parallel lines and here L cuts across two non-parallel lines. Students, see this figure. यहाँ पर हमारे पास three lines हैं, ठीक है, और M क्या है, transversal. क्या M transversal है?
आंसर इज नो, बिकॉज एम जो ये दो लाइंस हैं इनको सेम पॉइंट पर कट कर रहा है. बट ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या है कि ट्रांसवर्सल टू और मोर लाइंस को अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा. क्लियर? सो हेयर एम इज नॉट अ ट्रांसवर्सल. नेक्स्ट इज एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल. Suppose here are two parallel lines M and N and L is a transversal. Suppose this transversal angle 1, suppose this transversal make angles angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7 and angle 8. First is interior angles. Interior angles are those angles which have a one common arm and that lie between the lines. देखो, बिटवीन द लाइन्स मीन्स एंगल्स कौन से हो गए 3, 4, 5, 6 एंड दीज हैव अ वन कॉमन आर्म. ये वाली आर्म इनकी क्या है? कॉमन. एंड 3, 4, 5, 6 लाइज बिटवीन एम एंड एन. सो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स. एंड स्टूडेंट्स, इंटीरियर एंगल्स में होता है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दैट इज एंगल 3 एंड एंगल 6. ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. मींस एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल्स. देखो, इंटीरियर मींस अंदर, एक्सटीरियर मींस बाहर. अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? दैट विच डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म एंड दैट डू नॉट लाई बिटवीन द लाइंस. देखो, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, दीज डू नॉट हैव एनी कॉमन आर्म एंड दैट डू एंड दीज डू नॉट लाई बिटवीन द लाइंस. सो व्हाट आर एक्सटीरियर एंगल्स? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर एंगल्स की भी क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री. दैट मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री. नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग angles. Corresponding angles are that which are correspond to each other as they are similarly placed. मतलब देखो, angle 1 and angle 5, angle 1 and angle 5 are on the same side of the transversal, और angle जो 1 है वो exterior है. मीन्स एंगल 1 एम लाइन के ऊपर प्लेस है. सिमिलरली जो एंगल 5 है वो एन लाइन के ऊपर प्लेस है. मीन्स दे आर सिमिलरली प्लेस्ड. एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8. और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. क्लियर?
सबसे पहले हम पेयर्स लिखते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉमा एंगल 2 एंड एंगल 6 थर्ड एंगल 4 एंड एंगल 8 फोर्थ एंगल 3 एंड एंगल 7। सो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। नेक्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स आप इंटीरियर एंगल्स से पहले ही करके आए हो, अब हमारे पास वर्ड क्या ऐड हो गया, अल्टरनेट। अल्टरनेट मीन्स इंटीरियर एंगल्स अब लेंगे बट ऑपोजिट साइड्स लेंगे, ठीक है। पहले तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 3, 4, 5 and 6 आर इंटीरियर्स, बट अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो क्या पेयर आए हैं, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होते हैं इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। अगर हम ओनली इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, अल्टरनेट नहीं ले रहे हैं, तो प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, बट अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ले रहे हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स अगेन आप एक्सटीरियर एंगल्स करके आए हो, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 1, 2, 7 and 8, बट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल 2 एंड एंगल 8, सेकंड पेयर इज एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 7, और ये भी क्या होते हैं, इक्वल। बट अगर सेम साइड ले रहे हैं तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री। होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फिगर्स इज लाइन एल अ ट्रांसवर्सल एंड इन विच फिगर्स इट इज नॉट, गिव रीजन। हाँ जी, क्या एल ट्रांसवर्सल है, नो। हमने ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि ट्रांसवर्सल वो है जो टू और मोर लाइन्स को इंटरसेक्ट करता है, बट यहाँ पे ओनली वन लाइन है। So here L is not a transversal. Second, there are two lines, two parallel lines, and L intersect these two lines at two different points. So here L is a transversal. Third, here M and N are not parallel और नॉन पैरेलल लाइंस, ना ही ये पैरेलल है ना ही ये नॉन पैरेलल, क्योंकि ये दोनों लाइंस पहले तो आपस में ही कट कर रही हैं। सो हेयर एल इज नॉट अ ट्रांसवर्सल। फोर्थ, अगेन देयर आर टू लाइंस विच इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट, सो हेयर एल इज नॉट अ ट्रांसवर्सल। सेकंड, इन फिगर वन, दिस इज फिगर वन, इफ द लाइंस एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर, दीज एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स एंड वाई। हमने ये एंगल एक्स एंड वाई को क्या करना है, सॉल्व करना है। स्टूडेंट पहले देखो, एक्स एंड 70 डिग्री कौन से एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, क्लियर। सो एक्स तो सीधा ही आ गया 70 डिग्री, क्लियर। एंड अगेन एक्स एंड वाई आर इंटीरियर एंगल्स एंड दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स दीज आर सप्लीमेंट्री। सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो पहले तो एक्स इज इक्वल टू हमारा सीधा ही 70 डिग्री आ गया,
क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंड एक्स वाई आर इंटीरियर एंगल्स एंड दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सो दैट मीन्स एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. वट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स? इट इज 70 डिग्री प्लस एंगल वाई. सो वट इज द वैल्यू ऑफ एंगल वाई? 180 माइनस 70 विल बी 110. थर्ड क्वेश्चन इन फिगर टू, दिस इज फिगर टू बिलो. द पेयर्स ऑफ लाइन्स एम एन एंड ओ, हेयर आर थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, और तीनों ये पैरेलल हैं. फर्स्ट फाइंड एंगल 1, 2, 3 एंड 4. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. पहले तो देखो, एंगल 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंड अगेन एंगल 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री, ये भी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. कौन सा रह गया? एंगल 3 एंड एंगल 1. देखो पहले, एंगल 4 इज इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और आप सीधा एंगल 2 इज इक्वल 60 डिग्री भी लिख सकते हो, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 एंड 2 क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. सो दैट मीन्स एंगल 1 इज ऑल्सो 60 डिग्री. नाउ एंगल 1 एंड एंगल 3, ये कौन से एंगल्स हो गए? एक्सटीरियर एंगल्स. एम एंड एन के एंगल्स क्या हैं? ये एक्सटीरियर, और एक्सटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. वट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 1? 60 डिग्री. सो एंगल 3 विल बी 180 माइनस 60, 120 डिग्री. सेकेंड, वट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स? एंगल 4 एंड एंगल 2. एंगल 4 एंड एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सो इक्वल होंगे. एंगल 1 एंड एंगल 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी क्या होंगे? इक्वल. एंगल 2 एंड एंगल 5, दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सो दैट्स वाई दे आर सप्लीमेंट्री. एंगल 60 एंड एंगल 1, ये एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दैट्स वाई दे आर इक्वल. एंगल 3 एंड एंगल 5, दे आर ऑल्सो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, सो दे आर इक्वल. देखो फर्स्ट वन, एंगल 4 एंड एंगल 2 आर इक्वल बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. थर्ड, एंगल 2 एंड एंगल 5 आर सप्लीमेंट्री बिकॉज इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. एंगल 60 डिग्री एंड एंगल 1 आर इक्वल बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. एंगल 3 एंड एंगल 5 आर इक्वल बिकॉज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल. फोर्थ क्वेश्चन इन द गिवन फिगर, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, कैन यू से दैट लाइन्स एम एंड एन आर पैरेलल? एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स वाई के इक्वल क्यों है? क्योंकि दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, कोई भी एंगल्स इक्वल, या कोई भी प्रॉपर्टी हमारी ठीक आ रही है, सो दैट मीन्स एम एंड एन आर पैरेलल. सो आंसर इज येस. फिफ्थ क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी. If angle D is equal to 115 degree, find the other angles. Means angle A, angle B and angle C हमने find करना है. Student, first हम इस figure को ऐसे draw कर सकते हैं. So that means here, let N and O are given lines and L and M are transversal. Clear? हमने उन्हीं lines को क्या किया? Extend किया है. ठीक है, naming कर दिया N and O given lines and L and M are transversal. क्लियर? सो नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी, क्या ये इंटीरियर एंगल्स हैं
और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल एम के सेम साइड पर है, सो दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री. सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. वट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल डी? 115. सो वैल्यू ऑफ एंगल ए इज 180 माइनस 115, दैट इज 65 डिग्री. नाउ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए. Angle C is equal to angle A. These are alternate interior angles and they are equal. So that means angle C is also 65 degree. Similarly, angle B is equal to angle D. These are also alternate interior angles. So that means angle B will be 115 degree. Now question number 6 is, in the given figure, CE is parallel to BA. If angle A is equal to 50 degree, angle B is equal to 70 degree, then find angle ACE. हमने ये वाला angle find करना है. इस figure को हम ऐसे भी imagine कर सकते हैं. These are parallel lines and this is a transversal. Angle A is 50 degree, angle B is 70 and we have to find angle ACE. अगर हम ध्यान से देखें, पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है. देखो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, बिकॉज ये ट्रांसवर्सल किस साइड है और ये इसके ऑपोजिट साइड है. सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल. सो दैट मीन्स एंगल ए सी ई इज ऑल्सो ऑफ 50 डिग्री. सेवन्थ क्वेश्चन इज, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द मार्क्ड अननोन एंगल्स. अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं जो मार्क किए हुए हैं. इस क्वेश्चन में एंगल एक्स फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में भी एंगल एक्स फाइंड करना है. ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. सिमिलरली यू कैन आल्सो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9. यू कैन आल्सो टेक द हेल्प ऑफ रिटन असाइनमेंट. 10th क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ए बी सी, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलेटरल ट्रायंगल? A triangle in which all the angles are equal, that is angle A is also 60 degree, angle B and angle C 60 degree, where the base BC lies on the line RS. Through a line PQ is drawn parallel to RS, that means PQ and RS are parallel to each other. Find the measure of angle 1, angle 2 and angle 3. Give explanations for your answers. Since ABC is an equilateral triangle, so angle BAC, angle ABC and angle ACB, all the three angles are of 60 degree, PQ and RS are two parallel lines and AB and AC are two transversal. Here AB and AC are two transversals. First, angle 1 is equal to angle ABC. देखो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बिकॉज दिस इज ट्रांसवर्सल एंड एंगल 1 एंड एंगल बी, एंगल ए बी सी, दीज आर इंटीरियर एंगल्स एंड दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो दैट्स वाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए बी सी. दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2, these are also interior angles on the same side of the transversal, that means they are supplementary. So angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree. What is the measure of angle 1? It is 60 degree. So angle 2 is 180 minus 60, that is 120 degree. Same angle ACB and angle 3, ACB and angle 3, they form a linear pair. So what is the measure of angle ACB? It is 60 degree. So angle 3 will be 180 minus 60, that is 120 degree. Question number 13 is, are the lines M and N in the following figure are parallel? No, because 130 and 120 are alternate exterior angles and alternate exterior angles should be equal, but they are not equal. So that's why M and N are not parallel. Now let's start chapter 9, ratio and proportion. In first exercise of this chapter, you will be able to recall ratio and proportion.
इन फर्स्ट एक्सरसाइज वी विल यूज मेथड ऑफ प्रोपोर्शन. सपोज इफ फोर नंबर्स ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन, क्लियर, देन दैट मीन्स ए रेशो बी इज सेम टू सी रेशो डी. दैट इज ए रेशो बी सी रेशो डी. देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. What are product of extremes? AD. What is the product of extremes? AD. And product of means is BC. Now let's start exercise. First question is express the given ratios in their simplest forms. First one is 5 rupees 25 paise. 175 paise. 5 rupees means 500 paise. प्लस 25 paise. सो 117 paise 525 paise. सो वट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म? 175 डिवाइड 525, आफ्टर कैंसिलेशन इट विल बी 1/3, दैट मीन्स 1:3. सेकेंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट टू होल नंबर रेशोज एंड एक्सप्रेस इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म. 1/5 ratio 1/20. First we will find the LCM of our denominators 5 and 20. It will be 20. So multiply each number by 20. 1 by 5 multiply 20, it will be 4. And 1 by 20 multiply 20, it will be 1. So the ratio therefore is 4:1. Similarly, you can solve the other sums. Third, the ratio of the angles of a triangle is 3:2:1. Find the measure of each angle. Let the first angle is equal to 3x, second angle 2x, third angle 7x. We know that sum of angles of triangle is equal to 180 degree. So 3x plus 2x plus 7x is equal to 1x is equal to 180 degree. 6x is equal to 180, so x is 30 degree. So first angle will be 3 multiply 30. That means 90. Second angle will be 2 multiply 30, 60. Third angle will be 1 multiply 30, that is 30 degree. Fourth is the ratio of a family's expenditure to its savings is 3:5. If the income of the family is ₹64,000 per month, what is the family's saving? Expenditure to saving ratio क्या है? 3:5. और income total कितनी है? 64,000. Find क्या करना है कि family की saving कितनी है? So let the expenditure is equal to 3x and savings is equal to 5x. Income of the family is 64,000, that is expenditure plus saving is equal to 64,000. 8x is equal to 64,000, so x will be 8,000. So what is saving? 5 multiply 8,000, that means 40,000. Fifth question, the ratio of girls to boys in a school is 7:15. How many girls will there be if the number of boys is 1200? In this question, we will use the method of proportion. Because, सबसे पहले girls to boys ratio दी है 7:15. और number of boys दी है, number of girls क्या करनी है? Find करनी है. So, let the number of girls is equal to x. The ratio of girls to boys is 7:15. So, therefore, देखो, girls की गिनती find करनी है. So that means x and boys कितने हैं? 1200. Girls की ratio 7 है और boys की ratio 15 है. Girls, boys. So in a proportion, product of extreme is equal to product of means. That means x into 15 is equal to 1200 into 7. So what is the value of x? 1200 into 7, 15 हो जाएगा. Divide 15 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो 1200 का आ जाएगा 80. So 80 multiply 7 is 560. So number of girls is equal to 560. Next is which ratio is greater, 6:7 or 4:9? That is 6/7 or 4/9. फर्स्ट अगर हमने देखना है कि कौन सा ग्रेटर है, पहले हम डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे? सेम करेंगे. सो एलसीएम ऑफ 7 एंड 9 इज 63. 7 को 9 से मल्टीप्लाई करके 63 बनेगा. सो 6 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 से 54.
सो सिमिलरली 9 का 63 कैसे बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई करके. सो न्यूमिरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 28 ओवर 60. डिनोमिनेटर सेम हो गए, इनमें से ग्रेटर कौन सा है, 54 ओवर 63 इज ग्रेटर दैन 28 ओवर 63. दैट मीन्स 6:7 इज ग्रेटर दैन 4:9. Now you can solve the rest of the sums by yourself. You can take the help of written assignments. Thank you. Have a nice day.